गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 21st of December और आपको लग रहा होगा मैं इतनी तैयार क्यों हूँ, क्योंकि आज है सत्यनारायण की कथा। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, पूरा लुक आपको मिल जाएगा देखने को। दीदी लोग आ गई हैं गांव से, 3 दीदियाँ हैं, तो वो अभी आ जाएंगी, भैया उनको लेकर आएंगे। तो बस सब साथ में पूजा करेंगे और अभी बस खाना वगैरह बन गया था, मेड आई थी मॉर्निंग में बना गई थी और अभी बस ताशु को तैयार कर दिया है और बस अभी पंडित जी का वेट कर रहे हैं। वो आए तो फिर कैसे भी स्टार्ट करेंगे पूजा, और जल्दी जल्दी में करना है क्योंकि आज बहुत सारे काम है। ताशु का केक ऑर्डर नहीं किया, कल उसका बर्थडे है। और मैंने ये इयररिंग्स पहने हैं फर्स्ट टाइम, मैंने बहुत पहले बनवाए थे शादी के पहले, बट अभी पहने हैं। और ये साड़ी मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है, ये मैंने करवा चौथ के लिए थी एक्चुअली, बट इसका ब्लाउज नहीं सिल पाया था और अभी बाल पूरे गीले हो रखे हैं, तो जैसे तैसे बना लिए मैंने, बांध लिए हैं। देन अपडेट करती रहूँगी, अभी घर जाऊँगी मायके, तो वहाँ पे भी व्लॉग करूँगी। सो ये मैंने पहन लिए बैंगल्स, मैचिंग मैंने कल ही कर लिया था, सब कुछ कल रख लिया था करके, पर फिर भी मुझे लेट हो गया क्योंकि प्रतीका है मॉर्निंग में, तो मैं थोड़ा लेट उठी सोकर। और बस अभी चलते हैं। प्यार पापा बेटी का, मेरे पास सुबह से नहीं आई ये लड़की। देने वाला सुख समृद्धि संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन शाम के समय मनुष्य भी सत्यनारायण। स्वाहा ओम सचिव पुंद्राभ्या नम स्वाहा, ओम मातृ पितृ चरण कमले भ्यो नम स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्या नारण्य ग्राम्य श्री नारायणाय स्वाहा, ओम तस्मात् ज्ञा सर्वभूतले चः सामानि जन छंदा गुम श्री तस्मात् स्वा नारायणाय स्वाहा, ओम तस्मात् स्वा अजायंत जे के चो वयतः गावोः तस्मात् तस्मा जाता अजा। पावत्रमसी सहस्रधारम देवस्वात्वा कामपच्छुपः, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय सो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है 22nd of December, ताशु का बर्थडे। ताशु हो गई है 1 ईयर की। टाइम कैसे चला गया मुझे पता चला है, लिटरली बता रही हूँ, मुझे बहुत मालूम चला है कि बच संभालना तो आसान काम नहीं है, बहुत 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 टफ जॉब है ये। बट मज़ा भी आया, बहुत इंजॉय किया ताशु के साथ, और आगे भी ऐसी जर्नी चलती रहेगी। सो आज सब लोग, अभी मैं मायके में हूँ, मैं आ गई थी कल इवनिंग में आ गई थी, तो आज नाइट में मैंने यहाँ पे स्टे किया है और नाइट में सोचा सोऊंगी मैं आराम से, बहुत सारे लोग हैं ताशु को संभाल ही लेंगे, बट ताशु किसी पास जा ही नहीं रही है, वो एकदम से भीड़ भाड़ देख के थोड़ा सा डर रही है और एकदम घुल मिल नहीं पा रही है, बट ठीक है अभी हो जाएगी थोड़ी देर में। और बस रात में सोने नहीं दिया इसने, पता नहीं क्यों अचानक से ये 3 बजे के आसपास रोने लग गई, और उसके बाद फिर मैं और भाभी थोड़ा सा देख रहे संभाल रहे थे। अभी सब लोग आ गए हैं, जो ऊपर वाला रूम है जहाँ मैं शूट करती थी पहले वीडियोस, वहाँ पे सब लोग हैं। तो आज तो बिल्कुल सोई भी नहीं हूँ मैं, ऊपर सबका सेटअप कर रखा है, गद्दे वगैरह बिछा रखे हैं, तो ऊपर सोएंगे आधे लोग नीचे। सब लोग आ गए हैं मॉर्निंग, मतलब लगभग 15 लोग हैं गाँव से और 4-5 तो हम लोग हैं। सो अभी पोहा है, मैं पोहा खाने वाली हूँ, बाकी लोग समोसा खा रहे हैं। तो अभी प्लान ये है कि मैं रेडी होकर वहीं से आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर भीड़ है, तो ताशु थोड़ा सा परेशान कर रही है, तो मैं ससुराल से रेडी होकर
आऊंगी, वहीं पे ही जाएंगे अभी। अभी 10 बजा है, इधर खाना खा के हम लोग 11-12 बजे तक निकलेंगे और प्रतीक आ गए हैं तो वो उनके साथ जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या मम्मी, उसके बाद फिर ना हमें थोड़ा काम है एक्चुअली मार्केट में, प्रतीक को पैंट वगैरह लेना है तो वो ले लेंगे, क्योंकि ना जो आज उनको पैंट पहनना है वो थोड़ा सा पहले वाला था शादी वाला वो टाइट हो गया है तो दूसरा पैंट लेना पड़ेगा ब्लैक कलर में। तो बस थोड़ी बहुत शॉपिंग करके और फिर मैं ससुराल निकल जाऊँगी। देन पार्टी जो है वो मायके के पास में होटल है वहाँ से है, पास में इस तरह का क्योंकि हम सब गाँव के गाँव से जो भी लोग आए हैं उनको ईजी रहे आने ले जाने में तो इसलिए, और मेरा घर तो है दूर यहाँ से थोड़ा सा, तो वहाँ से हम लोग आएंगे, मैं पापा जी मम्मी जी और प्रतीक ताशु, हम लोग वहीं से आएंगे। और एक्चुअली मुझे ना भाभी हमेशा साड़ी पहनाती थी बट आज मुझे पार्लर में साड़ी पहनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से फिर आना मुश्किल हो जाएगा, भाभी भी बिजी रहेंगी तो इसलिए मैंने सोचा कि वहीं पे ही हेयर ब्लो ड्रायर करना है हेयर्स में और साड़ी वहीं से पहन लूँगी मैं, वहीं पास में पार्लर है। तो आज मेरे सारे फ्रेंड्स लोग आएंगे, रेलवे से भी काफ़ी लोग हैं, सो अब आपको अपडेट देती रहूँगी। 7 बजे का टाइम रखा है बट हमारा टारगेट है कि 8 बजे तक तो हम मतलब केक वगैरह कट कर लें क्योंकि टाइम भी हो जाएगा। और कल मैं कहीं निकल रही हूँ, मतलब मैं प्रतीक और ताशु, वो मेरे सरप्राइज़ है बहुत बड़ा प्रतीक की तरफ से, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो हम वैकेशन पे निकल रहे हैं और 23, 24, 25 को मतलब हम लोग कल निकलेंगे, कल 23 है, देन 24 को रुकेंगे और 25 को वापस आ जाएंगे। तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा देखने को। तो बस अभी मैं आपको डायरेक्टली फिर शाम को मिलूँगी और देखती हूँ कितना ब्लॉग कर पाती हूँ, वरना वॉइस ओवर दे दूँगी जैसा भी होगा, बट वीडियो आपको पूरा मिल जाएगा बर्थडे का। सो सी यू लेटर। तो ये रीवा, पूरा रीवा आ चुका है यहाँ पे और यहाँ नाश्ता हो रहा है मॉर्निंग का। पेट तो दिख ही नहीं रहा है, पेट तो है ही नहीं, पेट तो आया ही नहीं बिल्कुल, कभी जीवन में नहीं आया भैया का पेट। वीडियो फोटो भेजता है ये एकदम हेल्दी, सुबह सुबह हेल्दी नाश्ता भोपाल का। एक दुल्हन हो गई है तैयार, एक दुल्हन पपीता काट रही है और आज मिलेगी रीवा तमरा चुरमारी सबकी कढ़ी, अजगेरा की भी कढ़ी। ये बोल रही है कि 50 लोगों की बन रही है कि 15 लोगों की बन रही है, परसों तक का बना रही है। नाश्ता लग गया है, बांटने में लगी है कि बांटने वालों को नहीं मिलता, फिर लास्ट में बांटने वाले फिर पीछे रह जाते हैं। सुबह मिर्ची रख दो, मिर्ची क्या है, नमक हो गया, नमक तो बहुत है। अरे मत खिला भाई, अभी तो पोहा खाया है, ये बड़ा भी ले लिए। यहाँ देख रही हूँ कौन क्या क्या खा रहा है, फिर बाद में वीडियो में देखने को होगा। खा रही है डाइट में, जिसको डाइट करना चाहिए वो डाइट नहीं कर रही है, जिसको नहीं करना चाहिए मोसा खा, मोसा खाओगी। आजा, चलो पैर रखो, डरपोक मत बनो ना, आ जाओ, मम्मा है ना, मम्मा है, आ जाओ, आज हाँ, डरपोक क्यों बनती हो। हैप्पी बर्थडे ताशु, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग। तो यहाँ पे इवनिंग में मैं आ गई थी पार्लर, ससुराल आ गए थे पहले हम लोग, देन उसके बाद मैं पार्लर आ गई थी, 5:30 पे मैं पार्लर आ गई थी। और कुछ मुझे सबसे पहले मुझे हेयर अपना सेट करवाना था, तो हेयर तो अच्छे सेट कर दिया था जो गर्ल्स थी वहाँ पे, बट जो साड़ी पहनने की बारी आई ना, तो साड़ी तो वहाँ पे ठीक ठाक लगी, मुझे पहना दी थी बट बाद में मेरी साड़ी खुल गई थी पूरी, फिर भाभी ने सेट किया था उसको वेन्यू पे जाके, तो थोड़ा सा मैं मतलब परेशान हो गई थी उस टाइम पे, मुझे वो चीज़ सर्विस अच्छी नहीं लगी उनकी साड़ी पहनाने के लिए। अदरवाइज बाल अच्छे सेट किए थे उन्होंने, मेकअप मैंने खुद से ही कर लिया था घर से, मैं 10 मिनट में मेकअप करके आई थी,
क्योंकि इतना टाइम नहीं था, बहुत जल्दी में थे कि हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी हम लोग पहुँच के ताशु थोड़ा सा शूट करवा लेते हैं, इसलिए। सो ये मेरे हेयर्स हैं कंप्लीट और ये है होल लुक। मैंने नेकलेस पहले एक पहना था बट नेकलेस मैंने चेंज कर दिया, बहुत ओवर हो रहा था, तो फिर मैंने वो पर्ल्स वाले होते हैं वो पहना था। देन यहाँ पे हम वेन्यू पहुँच चुके हैं, आप बाहर डेकोरेशन देख सकते हो, ये करवाया था हमने। तो ये एक एक्चुअली मैरिज हॉल टाइप है और ऊपर एक हॉल है, उसमें बर्थडे हमने अरेंज किया था, तो ये पूरा डेकोरेशन है, आगे आपको देखने को मिल जाएगा। देन हम लोग एकदम टाइम पे थे, हम लोग 7:30 वहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया था प्रोग्राम और सब लोग धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए थे। गांव से जो लोग आए थे, भैया उनको ले आए थे, तो वो लोग टाइम पे आ गए थे, बाकी सारे गेस्ट धीरे धीरे आ रहे थे। तो बस जैसे भी फोटोग्राफर हमने एक किया था तो वो फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे साथ में जो भी गेस्ट आ रहे थे। और रेलवे से बहुत लोग नहीं आ पाए, एक सर आए थे बस, क्योंकि किसी ने किसी का कुछ पर्सनल इशू हो गया था, मतलब क्योंकि अभी NH भी चल रहा था, नेशनल हॉलीडे था, तो इसलिए सब लोग घर चले गए थे। और मेरी फ्रेंड्स लोग आई थी बाद में, और मेरी बेस्ट फ्रेंड ममता नहीं आ पाई थी, उसके यहाँ भी घर में कुछ हो गया था। तो फिर हमने यहाँ पे बस अपने स्टार्ट किए प्रोग्राम। ताशु थोड़ा सा चिड़चिड़ कर रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग भी थे और हैवी ड्रेस भी पहन रखी थी, तो ऐसा होता है ना, कुछ अच्छा ओकेजन होता है, स्पेशल ओकेजन, वो बच्चे उस टाइम पे परेशान करते हैं। सेम ताशु के साथ भी हुआ था, बाद में वो नॉर्मल हो गई थी, थोड़ी बहुत पिक्स ली थी हमने उसकी, सिंगल पिक्स ली थी जब हमने फ्रॉक वगैरह उतार दी थी उसकी, तब वो अच्छे से कम्फर्टेबल हो गई थी तब। तो डेकोरेशन कैसा लगा आप बताना, केक वगैरह सब कुछ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे आप इंजॉय करो वीडियो। सो गाइस सब कुछ अच्छे से हो गया और हमने 70 लोगों के हिसाब से रखा था प्रोग्राम पूरा, और 60 लोग के लगभग आए थे। होता है ठंड में कुछ कम लोग आ जाते हैं, मतलब सब लोग नहीं आ पाते हैं। और उसके बाद ना हमें नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग में ही निकलना था गोवा, जिसका व्लॉग आप देख चुके हो, तो ये वाला व्लॉग मैं लास्ट में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाया था, गोवा चले गए थे, तो गोवा के व्लॉग्स मैंने पहले डाल दिए हैं, तो आपने आई होप इंजॉय किए होंगे गोवा के व्लॉग्स। तो हम लोग ना नाइट में 12:30 हम लोग ना फ्री हो गए थे, सब कुछ केक कट करके खाना वगैरह खा के फिर हम लोग घर चले गए, उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में गोवा निकल गए वहाँ से। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करके जाना। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।